कई बार मिठाइयों को मेवों, फूलों की पंखुड़ियों, चांदी और सोने की चादर वगैरह से सजाया जाता है। खाने की चीजों को लपेटने के लिए हम अक्सर एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। क्या हम नहीं चांदी, सोना और एल्यूमिनियम धातुएं हैं? मन में सवाल आता है कि धातु की पन्नी या शीट का ही उपयोग क्यों किया जाता है? क्या हम कोयले जैसी गैर धातुओं से बनी चादरें या पन्नी का उपयोग नहीं कर सकते? इसका उत्तर एक गुण में निहित है जो धातुओं की विशेषता है। पन्नी या छाया बनाने के लिए केवल धातुओं को पीटकर पतली शीट बनाई जा सकती है। इस गुण को लचीलापन के रूप में जाना जाता है। अधिकांश धातुएं लचीली होती हैं। आइए हम लोहा, एल्यूमिनियम और तांबे जैसी विभिन्न धातुओं की लचीलापन की जांच करने के लिए एक गतिविधि करें। इन धातुओं के कुछ टुकड़े लें। किसी भी धातु का एक टुकड़ा उठाएं और उस पर हथौड़े की सहायता से कुछ बार प्रहार करें। आपने क्या देखा? जब किसी धातु को पीटा जाता है तो वह पतली शीट में टूटे बिना छपटी हो जाती है। अन्य धातुओं के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराएं। आप पाएंगे कि लोहे, एल्यूमिनियम और तांबे को बिना तोड़े पतली शीट में पीटा जा सकता है। इसका मतलब है कि जब उन्हें पीटा जाता है तो केवल उनका आकार बदलता है। यह धातुओं में मौजूद मजबूत धात्विक बंधनों के कारण होता है जो तनाव और गति का सामना कर सकते हैं। सोना और चांदी सर्वाधिक नम्य धातुएं हैं। याद रखें, कुछ धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, जिंक इत्यादि गैर लचीली होती हैं। अधातुएं अघातनीय होती हैं। इसलिए हमें कार्बन, सल्फर या किसी अन्य गैर धातु की चादरें नहीं मिलती हैं। वहीं ड्यूरालुमिन, मैग्नेलियम जैसी कई मिश्र धातुएं भी लचीली होती हैं। लचीलेपन की आवाज से धातुओं और उनकी मिश्र धातुओं का उपयोग पुल, कार और हवाई जहाज की बॉडी, चॉकलेट और दवा के रैपर आदि बनाने में किया जाता है। बिजली हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे वह घर हो, स्कूल हो, शॉपिंग सेंटर हो या फैक्ट्री हो या कार्यस्थल हो या मैदान हो। बिजली का उत्पादन ज्यादातर शहर के बाहरी इलाके में स्थित बिजली संयंत्रों में किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दूर दराज के बिजली संयंत्र से हमारे घरों, स्कूलों आदि तक कैसे पहुंचता है? आपको बता दें, सड़क किनारे जो धातु के तार आप देखते हैं वे बिजली के वाहक होते हैं। ये तार आमतौर पर तांबे और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं से बने होते हैं। लेकिन केवल धातु के तारों का ही उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? हम गैर धातु वाले तारों का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? केवल धातुओं को ही तारों में खींचा जा सकता है। इस गुण को तन्यता के रूप में जाना जाता है और धातुओं को तन्य कहा जाता है। लैटिन सबसे अधिक लचीली धातु है। वहीं सोडियम, पोटेशियम, जिंक आदि धातुओं को तारों में नहीं खींचा जा सकता। एक ग्राम वजन के सोने के टुकड़े को 2 किलोमीटर लंबे पतले तार में खींचा जा सकता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? याद रखें, गैर धातुओं को तारों में नहीं खींचा जा सकता क्योंकि वे लचीले नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लचीलापन और लचीलापन हमारे जीवन को आसान और उज्ज्वल बनाते हैं।